टिप्स टू एवरीथिंग इन हिंदी के लेटेस्ट वीडियो के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पे क्लिक करें। इस वीडियो में आपको मिलेंगे कुछ और टिप्स प्रेजेंटेशन के पहले की तैयारी के बारे में। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है रोहन, आप देख रहे हो टिप्स टू एवरीथिंग इन हिंदी और इस वीडियो में बात करने वाला हूं प्रेजेंटेशन के पहले की तैयारी के बारे में। सो आई होप आप लोगों ने हमारा इसके पहले वाला वीडियो देखा होगा जिसमें मैंने 5 टिप्स दिए थे। अगर आपने वीडियो नहीं देखा है तो यहाँ पे उसकी लिंक आ जाएगी और आपको वीडियो देखने मिल जाएगा। एक छोटा सा रिकैप कर लेते हैं कि हमने कौन सी चीज के बारे में देखना है। तो फर्स्ट थिंग हमने देखा कि आपको रूम की बुकिंग करनी है। सेकेंड चीज, आपको ये ध्यान में रखना है कि आपका सीटिंग अरेंजमेंट होना चाहिए। थर्ड चीज जो है हमने देखी कि आपके ट्रेनिंग रूम में जो है एक व्हाइट बोर्ड होना चाहिए। फोर्थ चीज जो है आपको ध्यान रखना है कि वहां पे एक मार्कर अवेलेबल है ताकि आप व्हाइट बोर्ड पे लिख सको। और पांचवी चीज जो है आपको ध्यान रखनी है कि आपका प्रोजेक्टर सही से चल रहा है या नहीं। सो गाइस, हमने ये पॉइंट्स कवर किए हैं लास्ट वीडियो में, आप डिटेल्स देख सकते हैं वीडियो में, आप क्लिक करिए लिंक पे और आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। और कुछ चीजें बताता हूं जिसका आपको ध्यान रखना है। तो आपने अब चेक कर लिया है कि प्रोजेक्टर चल रहा है या नहीं। समझो आपके प्रेजेंटेशन में कुछ ऐसी चीज है जहां पे आप एक वीडियो दिखाने वाले हैं, तो आपको ध्यान रखना है कि आपके प्रेजेंटेशन रूम में स्पीकर्स अवेलेबल है, या फिर अगर स्पीकर रेडीली अवेलेबल है तो क्या वो स्पीकर्स चल रहे हैं या नहीं। क्योंकि जस्ट इमेजिन कीजिए कि आपने एक वीडियो चालू किया और उसकी आवाज ही सुनाई नहीं दे रही है, तो कितना फनी सिचुएशन हो जाएगा, राइट। सो ध्यान रखिएगा कि स्पीकर्स रेडीली अवेलेबल है और वो वर्किंग कंडीशन में है। नेक्स्ट चीज जो है गाइस बहुत ही छोटी है और इस चीज के बारे में बहुत सारे लोग भूल जाते हैं, पर ये एक चीज जो है काफी मायने रखती है आपका प्रेजेंटेशन सही से शुरुआत करने में, और वो चीज है आपके ट्रेनिंग रूम का टेम्परेचर। जस्ट इमेजिन कीजिए कि कोई एक पार्टिसिपेंट जो है दूर से ट्रेन से ट्रेवल करके आ रहा है, या फिर वो भाग दौड़ के आया है और उसे ट्रेनिंग रूम में जो है या फिर प्रेजेंटेशन रूम में जो है उसको बहुत ही ज्यादा गर्मी लग रही है, तो क्या वो आपकी प्रेजेंटेशन पे कॉन्सेंट्रेट कर पाएगा? नहीं, राइट। तो आपको ध्यान रखना है कि ट्रेनिंग शुरू होने के पहले आप वहां पे एसी लगा के रखिए और टेम्परेचर जो है सेट करके रखिए समवेयर अराउंड 24 to 25। तो अगर कोई भाग दौड़ के भी आपकी ट्रेनिंग रूम में आया है तो उसे आने के बाद जो है काफी रिलैक्स लगेगा, और रिलैक्स होने के बाद जो है वो आपकी प्रेजेंटेशन पे ध्यान देगा। नेक्स्ट चीज जो है गाइस, इसे भी लोग बहुत ही लाइटली लेते हैं पर ये भी एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है आपके प्रेजेंटेशन का। प्रेजेंटेशन शुरू होने के पहले ध्यान रखिएगा कि आप जितने भी लोगों को बुला रहे हैं उन सबके लिए ड्रिंकिंग वाटर जो है वो अवेलेबल है। आप जब घर में आते हो काम करने के बाद तो पहली चीज आपको क्या चाहिए होता है? एक तो आपको चाहिए होता है ठंडी हवा और दूसरा आपको चाहिए होता है पानी का ग्लास। सिमिलरली अगर आपके प्रेजेंटेशन में कोई आ रहा है तो उसे पहले अच्छा मिलना चाहिए टेम्परेचर, जो कि मैंने आप इससे पहले बताया, और दूसरी चीज जो है ड्रिंकिंग वाटर। ये दोनों चीजें अगर हो जाती है तो बंदा जो है काफी रिलैक्स फील करेगा, और रिलैक्स फील होने के बाद जो है आपके ट्रेनिंग में अच्छे से कॉन्सेंट्रेट कर पाएगा। नेक्स्ट चीज का जो आपको ध्यान रखना है वो है रूम की लाइटिंग के बारे में। तो जस्ट इमेजिन कीजिए कि आपने जिस रूम में प्रेजेंटेशन रखा है वहां पे कोई एक ट्यूबलाइट ऐसी है जो कंटिन्यूसली फ्लिकर कर रही है, तो क्या लगता है आपके जो रूम में प्रेजेंटेशन देखने के लिए लोग आए हैं क्या वो अच्छे से कॉन्सेंट्रेट कर पाएंगे? या फिर इमेजिन कीजिए कि आप जिस रूम में प्रेजेंटेशन ले रहे हो वहां पे जो है लाइट की व्यवस्था ही नहीं है और आपको कुछ ना कुछ चीजें जो है बोर्ड पे दिखानी है, तो क्या कोई इंटरेस्टेड रहेगा आपका प्रेजेंटेशन देखने के लिए? लाइटिंग जो है काफी अच्छा इफेक्ट बनाता है, तो इंश्योर कीजिए कि लाइटिंग ज्यादा ब्राइट भी ना हो या फिर लाइटिंग ज्यादा डल भी ना हो। अगर लाइटिंग बहुत ज्यादा ब्राइट है तो लोगों को आंखों में तकलीफ हो सकती है, और अगर लाइटिंग बहुत ज्यादा डिम है तो चांसेस है कि लोग प्रेजेंटेशन में सो जाए। तो लाइटिंग जो है वो एडिक्वेट होनी चाहिए और लाइटिंग जो है सही होनी चाहिए। गाइस, अगर आप प्रेजेंटेशन आपके लैपटॉप के थ्रू देने वाले हो तो आपको ध्यान रखना है कि प्रेजेंटेशन की फाइल जो है, मतलब पीपीटी फाइल जो है, वो आपके लैपटॉप में बराबर से सेव्ड है और वो वर्किंग कंडीशन में है। जस्ट इमेजिन कीजिए कि आपने आपका प्रेजेंटेशन ओपन करने का ट्राई कर रहे हैं और उसमें कोई पासवर्ड लगा हुआ है, या फिर वो फाइल जो है वो ओपन ही नहीं हो रही है, या फिर वो प्रेजेंटेशन जो है आपने गलती से दूसरा फाइल जो है सेव करके रखा है, तो गलत प्रेजेंटेशन आपके लैपटॉप में आ गया है। तो प्रेजेंटेशन शुरू होने के पहले आपको ध्यान रखना है कि आप प्रेजेंटेशन की फाइल जो है आपके लैपटॉप में सेव करके रखें।
सो गाइज आई होप ये छोटी छोटी टिप्स जो है आपको आपका प्रेजेंटेशन इंप्रूव करने के लिए हेल्प कर रहे हैं। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि आपको आपका प्रेजेंटेशन कैसे शुरू करना है या फिर आप आपका प्रेजेंटेशन जो है कैसे शुरू कर सकते हैं। तो अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लीजिए, क्योंकि नेक्स्ट वीडियो जो है काफी हेल्प करेगा। अगर ये वाला वीडियो पसंद आया तो इसे जरूर लाइक करिएगा, थम्स अप दीजिएगा और आपके फ्रेंड्स के साथ जो है वो जरूर शेयर करिएगा। सो इस वीडियो में इतना ही गाइज, मैं आपको मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।